विघ्नहर्ता श्री गणेशा श्री गणेशा श्री गणेशा। तारकासुर, तुम्हारे इस माया जाल को तो मैं अवश्य भेदूंगा, तीनों देवताओं को ढूंढूंगा भी, किंतु कहीं उन्हें ढूंढते ढूंढते तुम ही न लुप्त हो जाओ। कुमार कार्तिकेय का प्रवेश शोणितपुर में हो चुका था और अब इसी के साथ आरंभ हुआ था द्वितीय चरण का एक साहसिक युद्ध। तो ये है तारकासुर का मायावी शोणितपुर। इस विचित्र मायावी स्थान में तो कुछ भी स्थिर नहीं है। स्वागत स्वागत है तुम्हारा देव सेनापति। कहो, मेरा मायावी शोणितपुर भात हो रहा है ना तुम्हें? तारकासुर, तुम्हारे इस अनर्गल प्रलाप में कोई रुचि नहीं है मुझे। मुझे ये बताओ कि तुमने इंद्रदेव, वायुदेव और कुबेर देव को कहां छिपा कर रखा है? कहां है वो तीनों देवता? ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं है। क्योंकि मेरे शोणितपुर की माया कोई न जान पाया। यहां कब क्या किसमें परिवर्तित हो जाए किसी को ज्ञात नहीं, मुझे भी नहीं। तारकासुर, तुम्हारे इस माया जाल को तो मैं अवश्य भेदूंगा, तीनों देवताओं को ढूंढूंगा भी और यहां से मुक्त कराकर भी ले जाऊंगा, देखना तुम। अच्छा, ढूंढो, अवश्य ढूंढो, किंतु कहीं उन्हें ढूंढते ढूंढते तुम ही न लुप्त हो जाओ मेरी माया नगरी के माया जाल में। कदाचित आप कुमार कार्तिकेय के समर्थक हो, कम आंकने की भूल ना करें। आपको विश्वास था ना कि वो शोणितपुर में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु वो यहाँ पहुंच गए और अब आपका विश्वास है कि वो इन बंदी देवताओं को नहीं ढूंढ सकेंगे और आपने उन्हें चुनौती भी दे दी। जिसमें कभी सफल नहीं होगा वो, और जहाँ कुछ दिखाई ही ना दे वहाँ कोई किसी को कैसे ढूंढ सकता है? रात्रि रात्रि। तारकासुर के इस मायावी अंधकार से निराश नहीं हो सकता मैं। मुझे इसी अंधकार में आशा की कोई किरण ढूंढनी होगी।
इस गहन अंधकार में इतनी जगमगाहट कैसे उत्पन्न हो रही है? क्या है वहां? देखो तो। ये तो कुबेर जी के कर्ण का आभूषण है। मुझे इस ओर देखना चाहिए। बड़ी विचित्र बात है, इसकी जगमगाहट दिशा से प्रभावित हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई आकर्षण इसे अपनी ओर खींच रहा है, किंतु कहां और क्यों? देव सेनापति जी, ये खड़ग अवश्य स्वर्ण से निर्मित होगा, रत्न जड़ित होगा, बहुमूल्य होगा, और मूल्यवान वस्तुएं तो अपने आप मेरे समक्ष प्रकट हो जाती हैं। संसार की समस्त धन संपदा के संरक्षक हैं कुबेर देव जी, इसीलिए जो उनका है वो स्वयं उनके पास जाने के लिए गतिमान होता है, अर्थात ये आभूषण भी उनकी ही दिशा में जाने के लिए जगमगा रहा है। इसकी जगमगाहट तो बढ़ती ही जा रही है, अर्थात स्पष्ट है कि तीनों देवता उसी टीले पर स्थित। मुझे इसकी ऊंचाई को लांग कर उन तक पहुंचना होगा। देवताओं को ढूंढ लेगा। अब इन देवताओं का अंत करने में तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए हमें। या मेरा अनुमान सर्वथा उचित था, यही बंदी है तीनों देवता। देवराज, ये अग्नि के लिप्ते हमें भस्म कर देंगी। कार्तिकेय,
चिंता मत कीजिए इंद्रदेव, वायुदेव, कुबेर देव, कोई हानि नहीं होने दूंगा आपको। मैं यहाँ से सुरक्षित अपने साथ मुक्त करा कर ले जाऊंगा। आप तीनों इस डोर को थामिए, फिर मैं आपको यहां से बाहर निकाल लूंगा। इंद्रदेव, अब आप इस जोर को थामिए। अब ऊपर आने का प्रयत्न कीजिए इंद्रदेव। मैं भी कहाँ पड़ा था। मुआन गांधी के वायुदेव क्या? कुबेर जी स्थिर रहिए, आपको भी अभी बाहर खींच लेंगे हम। अपना मुख खोलने की भूल मत करना, अन्यथा तुम्हारे अप्रिय शब्दों से मेरा और क्रोध न बढ़ जाए। ज्ञात नहीं कुमार कार्तिकेय कहां पहुंचे, और वो इंद्रदेव, वायुदेव और कुबेर जी की रक्षा करने में सफल हुए भी अथवा नहीं। हाँ वरुण देव, तारकासुर की माया के कारण आज प्रथम बार हमारी दिव्य दृष्टि भी बाधित हो गई है, इसलिए वहाँ क्या घटित हो रहा है वो देख पाने में हम अक्षम हैं। ऐसा समंजस की स्थिति में मैं ये भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। यहाँ निष्क्रिय खड़े रहकर असहायता का अनुभव होता है, और कुमार कार्तिकेय का स्पष्ट आदेश था कि हमें अपना स्थान नहीं छोड़ना है, उनके आदेश का भी उल्लंघन नहीं कर सकते। यदि कुमार कार्तिकेय से तनिक भी विलंब हो जाता तो उसका परिणाम अत्यंत भयंकर होता। वैसे हमारा भार इतना नहीं है, वो तो आभूषण है ना हमारे तन पे इतने सारे, इस कारणवश वो भार में थोड़ी वृद्धि हो गई। किंतु आप सभी का धन्यवाद, आपने हमें खींच लिया। उचित कहा कुबेर देव जी, आपके आभूषण आपका भार अवश्य बढ़ाते हैं, किंतु इनसे आपका लाभ भी तो हुआ है। हाँ। आपके आभूषण के कारण ही तो मैं आप तक पहुंच पाया हूँ, आपके आभूषण ने ही मुझे आप तक पहुंचने का दिशा निर्देश प्रदान किया है। आपने स्वयं यहाँ कर हमारी रक्षा की कुमार कार्तिकेय, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। देव सेनापति हूँ मैं, इसीलिए देवताओं की रक्षा करना तो मेरा परम कर्तव्य है वायुदेव, जिसे मैं सदैव पूर्ण निष्ठा से निभाऊंगा।
अब ये ध्वनि कैसी है? ऐसा प्रतीत होता है जैसे जैसे आकाश को स्पर्श करती हुई किसी भवन की आकृति। तनिक ध्यान से देखता हूं। ये तीव्र वायु प्रवाह आगे बढ़ने नहीं दे रहा हमें, बाधा बनकर उत्पन्न हो चुका है ये हमारे लिए। अरे ये सब क्या हो रहा है? अकस्मात भवन कैसे और कहां लुप्त हो गया? तारकासुर की माया नगरी में उसके भवन के भीतर एक माया जाल से सुरक्षित एक स्वचालित खड़क है। शोनपुर के अंधकार में आकाश में एक भवन है, उसी भवन में वो मायावी खड़क सुरक्षित है। जब तुम शोणितपुर के भीतर पहुंचोगे तब तुम्हें उस भवन के मार्ग में अनेकों बाधाओं का सामना करना होगा। तब तो अब हमें इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उचित है देव सेनापति कार्तिक, हम आपके नेतृत्व में आगे बढ़ते हैं। हाँ वायुदेव, जिस भवन का उल्लेख श्री महागणपति जी ने हमसे किया था कदाचित ये वही भवन है और वो विशेष खड़क भी यहीं स्थित है। और ये सारी बाधाएं ये सब तो उसे सुरक्षित कर रही हैं जो यहां सर्वाधिक मूल्यवान है। ताड़कासुर के अब हमें यथाशीघ्र इन बाधाओं को पार कर उस भवन तक पहुंचना होगा, जिसके लिए हमें सर्वप्रथम सीधे मार्ग पर आगे बढ़ वहां पहुंचना होगा जहां हमारे समक्ष एक वन प्रकट हो। और स्मरण रहे, हमें प्रकट यही करना है जैसे हम शोणितपुर में यहां वहां भटक रहे हैं, क्योंकि यदि तारकासुर को यह ज्ञात हो गया कि हमारा वास्तविक लक्ष्य क्या है तो वो अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ हम पर टूट पड़ेगा। इसीलिए आप किसी भी स्थिति में हमें उस भवन एवं खड़क के विषय में चर्चा नहीं करनी। तारकासुर का वो विशेष खड़क कहाँ स्थित था? अब कुमार कार्तिकेय ने ये तो ज्ञात कर लिया था। अर्थात अब तो यही शेष था ना ब्राह्मण देवता कि तारकासुर को उनके वास्तविक लक्ष्य का आभास भी न हो और कुमार कार्तिकेय के नेतृत्व में तीनों देवता सभी कठिनाइयों पर विजय पाकर उस खड़क तक पहुंचे और उसे नष्ट कर दे। हाँ, होना तो यही चाहिए था किंतु हुआ नहीं, क्योंकि उनके समक्ष एक और बड़ी बाधा प्रकट होने वाली थी। रुकिए आप सभी। जो बाधाएं हमारे समक्ष आने वाली हैं वो हमें ज्ञात है, किंतु उन बाधाओं पर विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य हमें नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें शीघ्र ही यहां से प्रस्थान करना चाहिए और त्रिदेवों के मार्गदर्शन में इस तारकासुर रूपी संकट से निपटने का कोई और समाधान ढूंढना चाहिए। ये आप क्या करें इंद्रदेव?
इतनी कठिनाई से लक्ष्य के इतने निकट पहुंचकर हम उसे प्राप्त किए बिना कैसे जा सकते हैं? वायुदेव, मैं जानता हूं महागणपति जी ने हमें मार्ग सुझाया, किंतु आप सभी ये भूल रहे हैं कि एक मायावी नगरी है। यदि हम तनिक भी चूके, तनिक भी, सदैव के लिए तारकासुर के मायावी जाल में उलझ कर रह जाएंगे। इंद्रदेव, आत्मविश्वास और साहस से तो हम किसी भी कार्य में सफल हो सकते हैं। और फिर परिणाम की चिंता किए बिना प्रयास करना तो हमारा कर्तव्य है। तभी तो हमें अपने वास्तविक सामर्थ्य का परिचय ज्ञात हो। मैंने जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शौनितपुर में प्रवेश किया है, मैं उस उद्देश्य को पूर्ण किए बिना यहां से नहीं लौटने वाला, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। फिर चाहे मेरे मार्ग में कितनी ही कठिन बाधाएं क्यों ना आएं, किंतु आप मेरे साथ आगे बढ़ने का चुनाव करते हैं अथवा यहां से लौटने का मार्ग ढूंढकर यहां से लौटने का, ये निर्णय लेने के लिए आप स्वतंत्र हैं। व्यक्ति के भीतर दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास हो तो आगे बढ़ने का मार्ग मिल ही जाता है।